मौर्य के बारे में शायद ही कोई इंसान होगा जो नहीं जानता होगा। बिहार से भी एक ऐसी ही प्रेम कहानी सामने आ रही है जिसने ज्योति मौर्य को भी पीछे छोड़ दिया है। यूपी की ज्योति मौर्य से दो कदम आगे निकली है बिहार के मुजफ्फरपुर की ज्योति। नाम भी ज्योति और काम भी एकदम ज्योति मौर्य वाला। जिस पति ने पढ़ाया लिखाया दरोगा बनाया उसे ही छोड़कर नए प्रेमी के संग फरार हो गई। यानी कि दरोगा बनते ही बिहार की ज्योति ने पति को छोड़ दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है दोस्ती से, दोस्ती फिर प्यार में बदलती है, प्यार परवान चढ़ता है तो घर से भागकर लव मैरिज करते हैं और ये कहानी खत्म हुई फरेब पर जाकर। जिस पति प्रियरंजन ने कर्ज लेकर और जमीन बेचकर पत्नी ज्योति को पढ़ाई में मदद की, दरोगा भर्ती की तैयारी कराई और सेंटर मैनेज करने के लिए पत्नी ज्योति और उसके प्रेमी को 10-10 लाख रुपए दिए, लेकिन अब दरोगा बनने के बाद वही पत्नी ज्योति अपने पति प्रियरंजन के साथ रहने से इनकार कर रही है। अपना सब कुछ खो चुका बेचारा पति अब अपनी पत्नी की शादी की तस्वीर भी सजा कर रखा है और रो रो कर आंसू बहा रहा है और अपनी पूरी आपबीती बता रहा है। 2009 में हम लोग शादी किए, लव मैरिज भाग के। इसके ये मुझे बहुत पसंद करती, इसकी शादी कहीं और तय हो गई थी, ये बोली कि मुझे आप ही से शादी करना और हम आपके साथ चलेंगे। हम बोले हम कुछ करते नहीं हैं, हम कैसे तुमको रखेंगे, लेकिन ये बोली कि हम किसी भी हाल में आपके साथ रह रहे हैं, जैसे भी आप रखोगे रह लेंगे हम। हमको शुरुआत में जो कहानी है तो शुरुआत में तो दोनों परिवार इंटरकास्ट मैरिज था, विरोध हो गया, आपने संघर्ष किया और फैसला किया कि इसके साथ रहेंगे। जी शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा रहा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहा, कोई भी दिक्कत नहीं रहा, लेकिन आप क्या करते थे? हम वहाँ पे पहले जॉब करते थे, रियल एस्टेट कंपनी में ही, वहाँ पे 6,000 सैलरी पे काम करते थे, पर 4,000 रुपया ऊपर ओवर टाइम का मिलता था। उसके बाद एक साल तक जॉब किए, उसके बाद अपना खुद से बिजनेस रियल एस्टेट का स्टार्ट किए। अच्छा, इसके बाद जब तैयारी की बात आई कि अब तैयारी करेंगे, पत्नी ने बताया तो फिर तैयारी कैसे कैसे कहाँ करें? 2012 में ये इसे गुड़गांव में बोली कि हमें तैयारी करना है, हमको पापा की तरह दरोगा बनना है और ये करना है, तो वहाँ पे इसका एडमिशन कराए गुड़गांव में। प्लस इसका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था उस समय, तो गुड़गांव में ही एडमिशन भी करवा दिए थे। इंटर में ही दोनों पर शादी कर ली? नहीं, पार्ट टू में ये जब थी तब ये मेरे साथ यहाँ से बालिक थी, तब मेरे साथ यहाँ से गुड़गांव जाके शादी की थी पार्ट टू में। इसका पार्ट थ्री कंप्लीट नहीं हो पाया था, फिर इसे कंप्लीट कराने के लिए वहाँ गुड़गांव में एडमिशन करा दिया। दरोगा कब बनी? 2019 में। 19 जी। अच्छा, जैसा इनपुट हम लोगों को आया पास आया हुआ है कि उसने भी कई एक तरह के आरोप आप पर लगाए हैं कि ससुराल वाले, सास, पति ये सब परेशान करते थे, बच्चा पाल करके और संघर्ष करके दरोगा बने, इसमें इन लोगों की कोई भूमिका नहीं है। क्या वो एक बार आप क्या बोलेगी? वो जैसा जो हम लोगों के पास जानकारी मिल रही है कि उसने अपने दम पर संघर्ष करके और उसमें काफ़ी संघर्ष किया, परेशानी हुई, सास विरोध कर रही थी, आप विरोध कर रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे। मेरी माँ तो इतने उसे फ्री छोड़ रही थी, माँ कुछ बोलने नहीं जाती थी उसे, ना मेरा भाई कोई कुछ उसको बोलता था, उस घर में जैसे रहती थे वैसे रहने दिया जाता था। बनी 2019 में, तो उसके पहले आपके साथ थी संबंध अच्छे? हाँ, उसके बाद भी बनने तक भी मेरे साथ अच्छा रहा है संबंध, हमसे बात होता था। अब क्या हो गया? वो उसका एक उसी के बैच का जिसे मैंने पैसा दिया था, उसके जॉब करने में पैसा भी दिया था मैंने, प्लस उसके वो सेटिंग करने के लिए, वो बोली कि मुझे अपना सेंटर मैनेज करना है, वो सेटिंग करने के लिए मुझे पैसा। दरोगा जब बन गई तो अब फिर क्या हुआ जो उससे उसके साथ मतलब साथ बैचमेट के साथ रहना चाहती है? जी, उसके साथ एक सोमेश्वर नाम का लड़का पढ़ता था साथ में। कहाँ पोस्टेड है? ये मुझे नहीं पता कहाँ पे पोस्टेड है, लेकिन रजला गांव है और यहाँ यादव नगर में उसका घर हुआ। अच्छा। कभी वो बताया नहीं ना कभी उस नहीं, वो नहीं, आपकी पत्नी कहाँ पोस्टेड? मेरी वाइफ है कटिहार में, बरारी थाना में पोस्टेड है। क्या नाम हुआ? ज्योति कुमारी। ज्योति, आपने संपर्क किया, समझाने का? बहुत संपर्क किया। आप लोग में तो काफी प्रेम था, परिवार से बगावत करके बिहार से गुड़गांव भाग गए। बहुत समझाए, बहुत उसको गिड़गिड़ाए, इतने गिड़गिड़ाए हम यहाँ तक बोले कि बाबू आप जो बोलोगे हम वो करने को तैयार है। वो कहती है हम नहीं रहेंगे आपके साथ। उसने तो कहा कि अब मारपीट करते हैं,
नशा में वगैरह तो इस तरह के कई आरोप आप पर लगाए। ना हम शराब पीते हैं, ना हम गुटखा खाते हैं, उल्टा क्या हम आपको बताएं, उल्टा उसे ही चीज़, सारी चीज़ों का लत है। तो प्रिय रंजन ने आरोप लगाया है कि जब परीक्षा होने वाली थी तो उसने पत्नी ज्योति और उसके प्रेमी सोमेश्वर नाथ झा की आर्थिक तौर पर बड़ी मदद की। ज्योति और उसके प्रेमी सोमेश्वर का सेंटर मैनेज करने में 20 लाख रुपए दिए। हालांकि अब तक इस मामले में ज्योति का पक्ष सामने नहीं आया, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से सबको ज्योति मौर्य की याद दिला दी है। फिलहाल ज्योति कटिहार में पोस्टेड है। अब प्रिय रंजन ने SDPO को आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट, बिहार तक।